राम मंदिर के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। पीएम ने साल की शुरुआत में ही अपने इंटरव्यू में इस मुद्दे पर कहा कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, लेकिन बहुत से साधु संत और वीएचपी ने पीएम के इस बयान की खुलकर आलोचना शुरू कर दी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2019 की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू के जरिए राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया। पीएम ने साफ कहा कि राम मंदिर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना ही मुनासिब होगा, उसके बाद ही अध्यादेश के बारे में सोचा जा सकता है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के 4.5 साल बाद राम मंदिर के मसले पर कोई समाधान न निकलता देख साधु संत अब भी नाराज हैं। इस नाराजगी को कुछ हद तक पीएम की ओर से कम करने की कोशिश की गई। ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है, और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूँ, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूँ कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें। प्रधानमंत्री ने तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया, लेकिन वीएचपी की नाराजगी कम नहीं हुई। वीएचपी ने साफ तौर पर पीएम के रुख से असहमति जताई है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर पर फैसला देने में देरी कर रही है, इसलिए इसके निर्माण के लिए संसद में कानून लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने जो ऑफिस रिपोर्ट निकाली है उसमें यह भी कहा है कि कुछ मामलों में जिन पक्षकारों की मृत्यु हो गई थी उनके वारिश रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए हैं। सब मिलाकर पीठ का गठन नहीं हुआ, कुछ अपीलों की प्रक्रियाएं बाकी हैं। हमें लग रहा है कि सुनवाई अभी भी कोसों मील दूर है। यही नहीं, वीएचपी की ओर से यह भी कहा गया कि राम मंदिर निर्माण को लेकर अब 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रयागराज में होने वाले कुंभ के मौके पर आयोजित धर्म संसद में फैसला लिया जाएगा कि अगला कदम क्या उठाया जाए। सभी पहलुओं के समग्र चिंतन के बाद विश्व हिंदू परिषद का यह स्पष्ट मत है कि हिंदू समाज अनंत काल तक न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हमारी यह समझ है कि उचित मार्ग ये होगा कि संसद द्वारा कानून बनाकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मार्ग अभी प्रशस्त किया जाए। राम मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साल की शुरुआत में ही बड़ा बयान आया, लिहाजा साधु संतों की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आने में जरा भी देरी नहीं हुई। मामले में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी और मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने मोदी के बयान का स्वागत किया। हिंदुस्तान का संविधान टिका हुआ है तो कानून और व्यवस्था भी टिका हुआ है। आज हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कुछ कहा है वो ठीक कहा है कि अध्यादेश, कानून, ये तमाम चीज़ें लोग बात करते रहते हैं, जो कुछ भी कहा उन्होंने ठीक कहा है कि कानून बना हुआ है, कोर्ट फैसला करेगा, सबूतों के आधार पर करेगा, जो कोर्ट करेगा वो हम लोग भी मानेंगे, पूरी दुनिया मानेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पहले अध्यादेश लाते हैं तो उस अध्यादेश पर चैलेंज हो जाएगा, राम जन्मभूमि का कार्य बहुत दिनों के लिए फिर लटक जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से कहा जाए जल्दी निर्णय करें, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात हाँ या नहीं कुछ भी होता है
फिर अध्यादेश लाया जाता है तो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता उसमें। मोदी जी की यही बात थी, यही कहना था कि फिर राम जन्मभूमि के विषय में कोई विवाद न रह जाए, अगर वो नहीं भी सुप्रीम कोर्ट करता है तो हम अध्यादेश लाने के लिए तैयार हैं सब। लेकिन रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास मोदी के बयान से असहमत दिखे। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर के मामले पर अपने वादों से मुकर रही है और इसका फैसला कुंभ मेले में हो जाएगा। आज जो प्रधानमंत्री की बात आई, इसे स्पष्ट हो गया कि ये सरकार न तो अध्यादेश लाएगी और न ही कोई कानून बनाएगी। और जिस समय ये चुनाव प्रचार कर रहे थे, इनके जितने भी नेता थे सभी कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो पहली वरीयता हमारी होगी कि हम रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये मुकर जाना और अपने बातों से हट जाना, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार से कह रहे हैं। अब इसके बाद में जो इस 2019 का चुनाव आ रहा है और इस पर विचार तो हमारे संत करेंगे। प्रयागराज में संतों का बैठक होगी और 31 जनवरी को जो निर्णय होगा उसी पर विचार किया जाएगा कि सरकार जब राम मंदिर के लिए आई है, सत्ता में आई और उसके बाद मुकर रही है, तो इस पर क्या विचार किया जाएगा। जो विचार होगा वही निर्णय किया जाएगा। यदि संतों ने इनके विरोध में निर्णय लिया तो 2019 इनके लिए बहुत कठिन पड़ेगा। राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार की राह कठिन दिख रही है, क्योंकि इस मसले पर लाख दलील दी जाए कि कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। लेकिन क्या वाकई साधु संत कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को तैयार है? क्योंकि उन्हें इंतजार करते हुए 4.5 साल का वक्त बीत चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। तो प्रधानमंत्री ने पहला इंटरव्यू दिया 2019 का, और उनके इंटरव्यू के बाद साधु संतों की क्या प्रतिक्रिया आई, वीएचपी का क्या स्टैंड रहा, यह आपने सुना। लेकिन इंटरव्यू के तुरंत बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। कांग्रेस ने यह कहा कि राम मंदिर पर पीएम के बयान से अब संशय पैदा होता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हमारा यह मानना है कि राम मंदिर मुद्दे पर जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आए वो सब पक्षों को मानना चाहिए और सरकार को उसको लागू करने की जिम्मेवारी निभानी चाहिए। परंतु मोदी जी ने तो उसको भी पचड़े में डाल दिया ये कहकर के निर्णय के बाद भी अध्यादेश के चक्कर में डाल देंगे, यानी वो निर्णय का कभी पटाक्षेप नहीं होने देंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल आज का यह है कि क्या प्रधानमंत्री के मन की बात मंजूर नहीं है साधु संतों को, वीएचपी को? कम से कम उनके स्टैंड से, उनके बयान से यही लग रहा है। प्रदीप भटनागर हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। उमानंद कौशिक, वीएचपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है उमानंद जी आपका। और आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत उपाध्याय जी आपका। प्रदीप भटनागर जी, क्या यहां पर सरकार के सामने अब कोई भी विकल्प नहीं रह गया कि वो साधु संतों को भी कोई विकल्प नहीं दे पा रहे हैं और वीएचपी को भी, क्योंकि जो विकल्प इनकी ओर से सुझाए गए उस पर अभी तो कम से कम विराम लग गया है इंटरव्यू के बाद? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में जो चीजें कही उन्होंने बड़ा स्पष्ट देश के आगे स्पष्ट कहा है कि भाई न्यायपालिका की जो आदर सम्मान है वो बरकरार रहना चाहिए। जब न्यायपालिका में चले तो भी अध्यादेश ना आए कि क्या संदेश को, एक देश को या एक विश्व को जो संदेश देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ न्यायपालिका प्रथम है, उसको लेते हुए थोड़ा न्यायपालिका को किया गया है। अध्यादेश के विषय में उन्होंने कहा भी कोई नहीं है। अब प्रधानमंत्री ने कुछ चीजें अगर कही है तो कुछ सोच के ही कही है। नहीं, यहाँ पर स्थिति आप समझ ही रहे हैं कि किस तरीके से बन रही है। उमानंद कौशिक जी, आप लोगों ने यहाँ पर आलोचना की, आपने कहा कि इंतजार करते करते काफी वक्त हो गया है, अब इंतजार नहीं होगा, अध्यादेश जल्द से जल्द आया जाए। देखिए, ये जो विवाद है लगभग 70 साल से तो कोर्ट में लंबित है, सिर्फ 59 वर्ष से। और आज माननीय प्रधानमंत्री का जो ये बयान आता है कि अध्यादेश नहीं लाया जा सकता, तो ये तो उनको चुनाव से पहले भी पता था। फिर ये किस मुद्दे पर लेके आए थे कि हम राम मंदिर बनवाएंगे? अगर अध्यादेश नहीं ले तो पता था ये, पहले ये दिव्य ज्ञान अभी थोड़ा ही पैदा हुआ, तो पहले भी पता था कि ये कोर्ट में चला हुआ अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। इनके पास में
अधिवक्ताओं की फौज है जो जो इनको कानून का ज्ञान कराते हैं, तो पहले क्यों नहीं पता था, ये अभी क्यों बताया? अगर मैं फिर कहना चाहता हूँ, अगर ये इस पर अध्यादेश या बिल नहीं लेके आते तो इसका नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। 2019 बहुत नज़दीक है और इतना लेट हो चुके, ये नुकसान इनको ये भरपाई नहीं कर पाएंगे। आर बी उपाध्याय जी, क्या इसके मायने निकाले जाएँ यहाँ पर? क्या अब बीजेपी के सामने स्थिति अब बिगड़ती नजर आ रही है, या फिर अभी भी जो गेंद है वो बीजेपी के पाले में? देखिए, ये हमारे दर्शक हैं ना, ये इन सब चीज़ों को समझते हैं कि जब आप सत्ता में, मान लीजिए कोर्ट में था मामला, आप कह रहे हैं कि भी कोर्ट में हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, फैसला आएगा जी। तो इस पर राजनीति क्यों हुई? क्यों ये भी घोषणा पत्रों में लाया गया? क्यों अभी भिन्न भिन्न जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर कहा गया भाई मंदिर हम बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? जब कोर्ट में मामला है तो आपको शांत रहना चाहिए। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं, हम मंदिर बनाएंगे और हमारे मैनिफेस्टो में है, अभी हमारी प्राथमिकता है। दूसरी तरफ जब बनाने का वक्त आता है तब आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का है और हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कहाँ करते हैं वो दर्शक समझ लें। एक्चुअल में सबरीमाला मंदिर में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि भी महिलाओं को इजाजत मिलनी चाहिए। वहाँ एक विशेष दल अपनी राजनीति के तहत वो कह रहा है कि नहीं, भी परंपराएं हैं, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए महिलाएं। तो ये कंट्राडिक्टरी बयान है ना, ये सब चीज़ें कहीं मैं कहता हूँ गले नहीं उतरती हैं मेरे। आप कहते हैं कि भी SC ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भी किसी उसका दुरुपयोग होता है इस कानून का, इसलिए पहले कोई कंप्लेंट करेगा तो उसकी पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी। आप अध्यादेश ले आए उस पर, कितना सम्मान सुप्रीम कोर्ट का आपने किया वो सब। तीन तलाक के मसले पर देखिए, मैं वही, हाँ तीन तलाक बहुत सारे मुद्दे हैं। तो आप राजनीति, विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति से ऊपर उठ के अगर कोई काम किया जाएगा, देखिए BHP ने आज दो टूक कहा, 4.5 साल हो गए, क्यों नहीं भैया आपने कहा? 1 साल बाद कह देते, 2 साल बाद कह देते, 3 साल बाद कह देते। अब इलेक्शन 2019 का सर के ऊपर आ गया, बहुत ज्यादा BHP का निराश यहां पर नजर आए। देखिए, बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जब भी राम मंदिर के मुद्दे पर कुछ कहेंगे तो कुछ ऐसा बोलेंगे, वो ऐसा स्पष्ट करेंगे, वो खासतौर पर अध्यादेश के, यहाँ पर उम्मीद थी कि अध्यादेश लाने की बात करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत निराश है यहाँ पर भी। जब सब कुछ प्रधानमंत्री को करना था तो आप क्या कर रहे थे? धर्म संसद, जन जागरण, दिल्ली में भी धर्म संसद और ये सब कवायद जो थी, शिवसेना भी उसमें अभी कहती है नहीं हम वो भी आएंगे। देखिए, ये 2019 के इलेक्शन सर के ऊपर है, मेन मुद्दे सब गायब है। न कोई शिक्षा की बात कर रहा है, न स्वास्थ्य की बात कर रहा है, न रोजगार की बात कर रहा है, न किसान की बात कर रहा है, न बीमार की बात कर रहा है, न दवा की बात कर रहा है, कहीं कुछ नहीं। अब एक नया सगुफा, और फिर वो देखिए किस तरीके से, जब यही सब कुछ होना था, कोर्ट को ही बनाना था, हाँ। तो आप इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? लेकिन लेकिन बीजेपी के लिए नया शगुफा नहीं है ये, प्रदीप भटनागर जी। प्रदीप भटनागर जी, राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से रहा है आपके लिए, प्रोमिनेंट रहा है, आप उसको लेकर आते हैं, आप कहते हैं मंदिर जरूर बनवाएंगे, लेकिन कब बनवाएंगे वो स्पष्ट नहीं करते हैं। अभी भी स्थिति स्पष्ट बिल्कुल नहीं की गई सरकार की। मंदिर आप, खैर ये चीजें जो आप कह रहे हैं कि मंदिर कब बनवाएंगे, और हम नहीं कह रहे हैं, देश की जनता नहीं, आपने भी, आपने माध्यम बनो, आपने वो राम भक्त, राम भक्त जिन्होंने जिन्होंने वोट यही सोचकर डाला कि आप कम से कम सत्ता में आएंगे तो मंदिर का रास्ता प्रशस्त होगा। क्या रास्ता प्रशस्त हुआ? देखिए, ऐसा है, अध्यादेश की बात तो यह है कि अगर सरकार या हमारे माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक अध्यादेश ना आगे, कानून प्रणाली से चला जाए, कोई बुराई नहीं है कि कानून भी है, कुछ बुराई और अच्छाई की बात ही नहीं हो रही, यहाँ सियासत की बात हो रही है। एक छोटा सा प्रश्न पूछ, हाँ, ये बता दें, हाँ, जो विवादित ढांचा था वो किस संविधान के तहत तोड़ा गया था, किस कानून के तहत गिराया गया था वो? तब कोई इस देश में तब भी कोर्ट था, संविधान था, कानून था, तो कोर्ट के सम्मान की बात क्यों नहीं हुई? अगर ये चीज देखिए, तो मैं कहूंगा उपाध्याय जी, अगर ये चीजें अगर हुई थी तो उसमें आज भी कोर्ट उसमें चल रहा है, तारीखें पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जो थे वहां पे, जिनको भी FIR के अंदर जिनका नाम आया, आज भी वो कोर्ट की तारीखें भुगत रहे हैं। और जिन्होंने भी ढांचे में आप सम्मान नहीं करते थे, संविधान का सम्मान तो उस वक्त भी करना चाहिए था। अगर संविधान ऐसा है, अगर कानून का सम्मान है, आज कोर्ट और संविधान, संविधान की बात कर रहे हैं आप सत्ता में इस समय, पूर्ण बहुमत के साथ है सर, कहता हूँ सत्ता, ऐसा मौका दोबारा कब मिले? हो सकता है ना मिले, नहीं मिलेगा। अगर ये सत्ता में आके रहेगा तो देखिए, सत्ता में आके मिलेगा, सत्ता में आके ये काम थोड़ा ना, क्या जो जो भी जो जो वादे किए गए हैं वो पूरे कर दिए जाते हैं, फिर इस पर आप राजनीति क्यों करते हैं? राजनीति क्यों करते हैं, मुद्दा क्यों बनाते हैं आप उसको? देखिए, मुद्दे की बात तो ऐसी है कि देखिए, विषय जो राम मंदिर का है, आज ही प्रबलता से उस चीज को लेकर, ये तो है नहीं बीजेपी पीछे हट गई हो,
जो चीजें चल रही थी सबके सामने है, अगर कोर्ट में भी मैटर चल रहा है वो भी चीजें सबको दिख रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी ने ये कही है कि अभी अध्यादेश नहीं ला सकते, अगर कुछ देश का विकास जो कर रही है वो भी सबको दिख रहा है, ये बात मानिए उमानंद कौशिक साहब। प्रदीप जी से पूछना चाह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का हम भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना आप करते हैं, सब जो यहाँ बैठे प्रधानमंत्री होने के नाते सब उनका उतना ही सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन ये जो आज प्रधानमंत्री जी ने या कल जो NIE के एक इंटरव्यू में कहा है कि अध्यादेश नहीं आ सकता, अध्यादेश क्योंकि ये लंबित है, ये लंबित तो पिछले 69 वर्षों से है। तो उस समय जब सरकार नहीं थी तब हम इसी चीजों की बात करते थे, तो या तो उनको जब अध्यादेश नहीं आता तो बिल लेके आए, तो बिल लाने से कौन मना कर रहा है, सरकार इनके पास में आप संयुक्त सत्र बुलाए, संयुक्त सत्र में बिठा के कराए, आपको 3 तलाक के लिए तुरंत लेके आए, बिल भी लेके आए, उस पर कोशिश भी कर रहे, भले ही वो आप राज्यसभा में उसमें लेके नहीं आ रहे, क्या डर है क्या नहीं है क्यों नहीं लेके आ रहे वो आप जानते हैं, लेकिन आप लेके तो आए, आप दोनों सदनों का एक जगह सत्र बुलाए, आपके पास दोनों सत्र मसले पर सरकार की कोशिशें उस तरीके से नहीं दिख रहे उमानंद कौशिक साहब, आप नहीं दिख रही, समझ रहे होंगे कि नहीं दिख रही, आप जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं हिंदू छला हुआ सा महसूस कर रहा है, अब उनके पीछे भी बड़े लोग हैं, उनके पीछे उनकी राजनीति रणनीति क्या है, 1 साल बाद कहते 2 साल बाद कहते 3 साल बाद भी ये मुद्दे को उठाते तो कहीं ना कहीं जनता की समझ में आता कि बाकी में उपाध्याय जी मैं उपाध्याय जी मैं इसीलिए आप बिल्कुल सही उपाध्याय जी वाकई में आप संजीदा उस मंदिर के लिए, हाँ हम संजीदा अभी इलेक्शन सबके ऊपर आ गया, 1 साल बाद ही लगना शुरू हो जाएगा। हिंदु परिषद का कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं जो चुनाव लड़ने वाला, इससे पहले मुझे बता दें 1 साल बाद 2 साल बाद कोई धर्म संसद, हाँ मैं धर्म संसद की बात कोई कुछ किया हो तो पहले भी अचानक आपको भी ये जुलाई तक शांत रहेंगे, जुलाई में इसका न्याय सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आने वाला, 2019 भी गुजर जाएगा, मुझे लगा शांत रहना पड़ेगा, हमें पूर्ण विश्वास था कि माननीय उच्चतम न्यायालय इस पे बहुत ज्यादा संजीदा है और इस पे कुछ ना कुछ निर्णय, लेकिन सुनो फिर लेकिन उसके बाद इंतजार नहीं कर सकते। दीपक मिश्रा की खंडपीठ में ये हुआ था कि भाई पहले जो उनका 94 का जो मुकदमा था पहले उसका निर्णय हो जाए, वो भी हो गया कि मस्जिद उसके लिए जरूरी नहीं है, उसके बाद में भी फिर जब ये आया कि भाई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग आया, उनके पास में 4-4 जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार भारत की के इतिहास में ये सारी चीजें हुई हैं, उसके बाद में दीपक मिश्रा ने भी कह दिया कि 29 अक्टूबर से जो भी होगा हम इसका नित्य इसका सुनवाई होगी, नित्य सुनवाई पर तो आप भी भरोसा कर रहे हैं, इंतजार करने के लिए आप तैयार हैं, फिर क्या दिक्कत है, आज भी इसकी नित्य सुनवाई हो जाए तो अगली 5-6 डेट में सारा काम निपट जाएगा। आप लोग तो तैयार नहीं है सुनवाई के लिए ना, आप कह रहे हैं कि हम इंतजार माननीय उच्चतम न्यायालय से कर रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय कर रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने था, उपाध्याय जी पहले मेरी बात खत्म हो जाने दें, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी जब ये दिखा दिया कि उनका भी सरोकार मंदिर से नहीं है, वो भी पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट की चीजें नहीं देख रहे हैं, तब हमें मजबूरन धर्मादेश धर्म सभा भी करनी पड़ी और माननीय जो हमारे संत हैं उनकी शरण में जाना पड़ा, उनसे हमें पूर्व मार्गदर्शन की अपेक्षा है, और उसके बाद में रही सही कसर कर दी माननीय प्रधानमंत्री ने, अब हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, हमें चाहते हैं कि इसमें बिल आए और बिल ला के महामहिम का हस्ताक्षर से बिल पास हो। स्पष्ट कीजिए कुछ तो तस्वीर, स्पष्ट कीजिए ना, स्पष्ट की देखिए सब चीज स्पष्ट है, प्रधानमंत्री स्वयं टीवी पे आके सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, अगर ऐसी चीजें अगर कंडीशन आती हैं लोकसभा में अगर चीजें पारित करने के तो उसको भी देखेंगे, मगर ये भारतीय जनता पार्टी ने अगर BJP की नाराजगी आज दिखी, साधु संत भी नाराज हैं, बहुत से लोग नाखुश हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो आंदोलन से शुरू से जुड़े रहे उम्मीद करते रहे, बुजुर्ग हो गए हैं वो लोग, दूसरे राज्यों में चले गए और कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर बनेगा तो फिर से दर्शन के लिए आएंगे, कुछ तो सोचिए, मैं कह रहा हूँ अगर राम मंदिर के विषय में अगर हमने मैनिफेस्टो में लिखा तो लिखा भी था कि कानून के संविधान के तहत के दायरे में कहता हूँ, संविधान के दायरे में अगर जो भी उपेक्षा होगी उसको तलाशेंगे, पहले चीज के दायरे में तो कांग्रेस भी कर रही है, वो उसको लंबी लंबी करते जा रहे, तो आपने कौन सी, आपको भी पता है ये तो कौशिक जी आपको भी पता है कि जो
कांग्रेस के जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं वो क्या करते हैं, क्या की एप्लीकेशन लगाते हैं अगर चाहते हैं तो सत्ता में रहते हैं और विपक्ष में रहते हैं। ये दिक्कत है ना, ये दिक्कत है। आप देखिए पहले सत्ता मिलते ही आपको सब मैदान विपक्ष में थे, जोर शोर से इस मसले को उठाया था आपने और आपने कहा जैसे ही सत्ता में आएंगे उस दिन से मंदिर बनना शुरू हो जाएगा और आज 4.5 साल हो गए। अच्छा ठीक है, इसका एक टेक्निकल यहाँ पर एस्पेक्ट समझते हैं उपाध्याय जी से कि अब सुनवाई मान लीजिए शुरू होती है, जनवरी के आखिर में सुनवाई शुरू होती है, शुरू हो रही है, कोई फैसला अभी तुरंत आना नहीं है, जब सुनवाई शुरू हो गया और उसके बाद फिर जब आचार संहिता वगैरह लागू हो जाएगी तो उस बार फिर वो सुनवाई कैसे आगे बढ़ेगी, यानी कि वो इंतजार तो आपको लोकसभा चुनाव तक करना ही करना पड़ेगा। देखिए यही एक स्ट्रेटेजी है जो दर्शक समझ रहा है, जो राम भक्त समझ रहे हैं, पूरा देश समझ रहा है, ये सभी समझ रहे हैं उस चीज को कि इनका मतलब न राम से है न राम के मंदिर से है, इनका मतलब सिर्फ 2019 का इलेक्शन कैसे भी निकल जाए और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। इलेक्शन के बाद कौन पूछ रहा है, 2014 में भाई खूब मुद्दा गर्म हुआ, उसके बाद किसी ने पूछा, कोई पूछ रहा था, अब फिर दोबारा इलेक्शन आ गया तो फिर भगवान राम याद आते हैं। ठीक है प्रभु, भगवान राम याद आते हैं, बीजेपी को समय भी याद आता है, भगवान राम भी याद आते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो कांग्रेस को भी जोड़ेंगे, अनुज अत्रे जी आ चुके हैं स्टूडियो में, उनको भी जोड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मसले पर कांग्रेस का स्टैंड क्या, कांग्रेस का रुख क्या। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल की शुरुआत में एक टीवी इंटरव्यू दिया और राम मंदिर के मसले पर जिस तरीके से उन्होंने बातें कहीं कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, वीएचपी उससे सहमत नहीं है, बहुत से साधु संत उससे सहमत नहीं है। कांग्रेस का यह कहना है कि इस पूरे मामले पर इस तरीके का बयान देकर संशय की स्थिति पैदा हो गई। अनुज अत्रे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में अभी अभी पहुंचे हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी। और कांग्रेस का क्या स्टैंड है, क्या वाकई संशय की स्थिति है, क्योंकि नुकसान यहां पर बीजेपी को ज्यादा दिख रहा है, कांग्रेस इसका फायदा उठा रही है? देखिए पहले तो मैं ये कहूंगा कि फायदा हम कभी भी इस मुद्दे पर उठाने की कभी नहीं सोचते हैं, ये फायदे वाले और नुकसान वाला विषय नहीं है, ये एक लोगों की भावना, बीजेपी का है ये भावना, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ का मुद्दा है। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात संशय की बात के साथ साथ मैं तो कहूंगा अब तो संशय के बादल छट गए हैं प्रधानमंत्री जी के कल के इंटरव्यू के बाद, अब तो स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि ये मंदिर के विषय में ये कुछ नहीं करने जा रहे। ये वही भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने 2014 में जो है अपने मैनिफेस्टो में प्रमुख तौर पर इसको किया था और 2014 क्या कहूंगा जब से राम मंदिर का इन्होंने मुद्दा छेड़ा है 1992 से 91 से लेकर के आज तक हर चुनावी घोषणा पत्र में इनका रहा है राम मंदिर की हम बनाएंगे उसका निर्णय करेंगे और इस आधार पर ये इन्होंने इस बार वोट मांगा था। अटल जी की सरकार थी, अटल जी ने कहा था कि जिस समय हमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी हम मंदिर बना देंगे। मोदी जी ने 2014 के चुनाव से पहले इसी अयोध्या में जाकर के जो है साधु संतों के बीच में धर्म संसद का आयोजन हुआ था और वहां उनसे मांग की थी कि आप हमारे को पूर्ण बहुमत दीजिए, मंदिर का निर्माण हम करेंगे, मंदिर का जो है इसका जो भी अड़चन आ रही है कोर्ट के हिसाब से हम सरकार में रहते हुए उसका करेंगे। तो ये तो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ इन्होंने किया है और अब जब चुनाव 2019 का सर पे आ गया तो 2000 जनता को इन्होंने स्पष्ट जवाब कल दे दिया देश के प्रधानमंत्री ने कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगी कोर्ट करेगी। प्रदीप भटनागर, प्रदीप भटनागर, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से जवाब दे दिया, हम कहते आ रहे कि कोर्ट करेगी कोर्ट के निर्णय का स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये अब तक इनके नेता कहते थे हम कोर्ट को नहीं मानेंगे, कोर्ट को चुनौती देते आ रहे थे, उसी आधार पर जनता को इन्होंने भावनाओं को छेड़ा, देश के 100 करोड़ हिंदुओं की अपने इंटरव्यू में कांग्रेस से अपील भी वो कर रहे थे कि इसको डिले ना किया जाए, कांग्रेस पर उन्होंने आरोप थोपा निश्चित हमारे पे आरोप लगाए, हमसे मांग करी और अब सरकार में तो आप बैठे हैं, कांग्रेस कहां सरकार में बैठी है, हमने तो कभी राम मंदिर के नाम पे देश की जनता से वोट नहीं जो तमाम वकील जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े वकील हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं। उसका जवाब आप ऐसे मुझे जाने नहीं दे सकते, आपने वकीलों वाली बात बोली, तमाम जाने भी नहीं दूंगा आप देर से हैं, आपको जाने नहीं देंगे, आपने जवाब ही सवाल बोली उसका उत्तर सुन लीजिए, जवाब दीजिए जवाब। बड़े बड़े वकील नहीं गए, केवल एक वकील पेश हुए थे और वो ठीक है आपने नाम नहीं लेते, मैं नाम लेता हूँ, कपिल सिब्बल जी गए थे लेकिन कांग्रेस नेता की हैसियत से नहीं गए थे, कांग्रेस की पार्टी की तरफ को रिप्रेजेंट करने नहीं गए थे और उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले तो उन पर रोक लगाई कि आपको कांग्रेस पार्टी में रहना है तो इस मुद्दे पर पेश नहीं होना। दूसरी बात वो गए थे एक वकील के पेशेवर वकील होने की हैसियत से गए थे, उसी हैसियत से गए थे जिस हैसियत से अरुण जेटली जी है जो भोपाल केस के जो है उनकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के लिए मुकदमा लड़ने गए थे, उसी हैसियत से गए थे वकील होने के नाते जिस हैसियत से राम जेठमलानी जी जो टाटा के आरोपियों की जमानत कराने के लिए पहुंचे थे, उसी हैसियत से गए
थे जिस हैसियत से सुषमा स्वराज जी की बेटी ललित मोदी का केस लड़ती है, उसी हैसियत से गए थे जो कितना बढ़िया हमारे कांग्रेस मित्र ने एक्सप्लेन करा कहां से भटकाने के लिए। क्या कपिल सिब्बल जी को यही मिलता है हर बार एप्लीकेशन लगाने के लिए, कोई और नहीं मिलता? पहली चीज, ये जो चीज कह रहे हैं जो इन्होंने शगुफा इन्होंने राम मंदिर का छोड़ा है, ये अगर ये इन्हें पता है, ये इनकी जो धोरी चाल जो है ना, ये अगर अध्यादेश लाया जाए तो सबसे पहले विरोध करने वाले यही बैठे हैं। नहीं समय दोहरी चाल कौन चल रहा है और दोधारी तलवार पर कौन चल रहा है, इन दोनों ही सवाल का जवाब दीजिए। हमने कहीं उसी चीजें करी। प्रदीप जी मैं आपको रोकूंगा, आप अध्यादेश लाएं या बिल लेके आए, आप लेके तो आए, ये साथ देंगे कि नहीं देंगे जनता देख लेगी। आप कोशिश तो कीजिए, अपनी ओर से करो। आप अगर आपने सब कुछ अगर कोर्ट के भरोसे छोड़ दिया, कोर्ट में तो मसला पहले से चल रहा था। क्यों देगी साथ आपका? कर्मण्येवाधिकारस्तु तू मा फलेषु कदाचना, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। और पिछली बार मैनिफेस्टो में था ये मसला, प्रदीप भटनागर, पिछली बार मैनिफेस्टो में आपके था मसला, इस बार तो मैनिफेस्टो में भी नहीं रहेगा। बहुत से आपके नेता ये कह चुके हैं आपका कानून बन जाएगा, मेरे पास नहीं देंगे जनता है, और नहीं आएगी तो जनता देख रही है। जैसे जूते 2014 में मारे ऐसे जूते फिर मारेगी, अन्य तो जूते के लिए आप भी तैयार रहना। जूतों में तेल लगा रखा है जनता ने। अपनी बात प्रधानमंत्री जी ने जो चीजें करी है बड़ी स्पष्ट करी है, जो चीजें कि अगर जो कानून कहेगी वो काम होना है। उन्होंने कह दिया कि हम अध्यादेश नहीं लाना चाहते, पहले चीज स्पष्ट हो गया। अरे स्पष्ट हो गया ना, तो चीजें क्लियर कर दी। इसी बारे में जनता से कह दिया कि हम मंदिर यानी कि अब राम मंदिर के मसले पर, राम मंदिर के मसले पर बात नहीं होनी चाहिए। लाएंगे तो अटक जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। किस हैसियत से आप कहते हैं कि मंदिर हम बनाएंगे? ये भी तो अपील कही है, जो कोर्ट के निर्णय दोनों साल कांग्रेस कर रही है उसको भी तो कहा है ना आपने। किस हैसियत से भटनागर जी, उत्तर प्रदेश में सब मंत्री कह रहे थे, आपके पार्टी का हर पदाधिकारी कह रहा था, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आपके जितने विंग थे सब कह रहे थे अगले हफ्ते शुरू हो जाएगी। अब ये यार आपको कहां से एकदम से आ गया कि मामला मुख्यमंत्री ने कहा कई मंत्री के मुख्यमंत्री कहे कि मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। दिव्य ज्ञान पहले भी था, दिव्य ज्ञान पहले भी था और आज भी, ऐसा कोई नहीं है। राजनीति ज्ञान सब आप लोगों को भी है, ये ज्ञान तो आपको भी, आप लोगों को भी, जनता संविधान के दायरे में जो भी उचित होगा राम मंदिर करेंगे। पहली चीज तो ये भी आपको बता दूं, मैनिफेस्टो वाली अगर बात करते हैं, जनता अगर शब्दों के मायाजाल को इस तरीके से समझ पाती तो वो फिर बेचारी कहां कहलाती। समझ रही है भटनागर जी, समझते हैं पूरे मामले पर पालन कर रहे हैं। सबरीमाला मंदिर, तीन तलाक, उन सब पे तो आप कानून का पालन, कानून की दुहाई देते हैं आप। क्या कानून के नाम पर ही वोट मांगेंगे? ठीक है, देखिए दो चीजें बड़ा, एक बार जवाब ले लेते हैं उपाध्याय जी, एक बार जवाब ले लेते हैं फिर उसके बाद आइए ना। देखिए ऐसा है जी, कहीं तो आपको पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि बीजेपी ने ये अपना नाम ये चेंज कर दिया हो कि भाई हमें राम मंदिर का नहीं है। देखिए नहीं, मैं बताऊं, आज भी देखिए ऐसा है, ये चीजें हम तो पूर्ण विश्वास कर लेंगे, लेकिन कहीं पे आपको भी पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। कहीं तो लगाओगे, कहीं तो पूर्ण विराम लगाओगे। पूर्ण विश्वास अल्प विराम लगा के, अल्प विराम लगा के आगे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार फंसी है। देखिए प्रधानमंत्री जी का तो कल इंटरव्यू आया है, लेकिन दो दिन पहले का आपको उमा भारती जी का इंटरव्यू भी याद होगा, जो उन्होंने एक भोपाल में अपनी बयान दिया है कि मोदी और योगी के रहते भी मंदिर नहीं बन रहा, तो ये हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उमा भारती जी तो आपकी सरकार में बहुत बड़ी मंत्री हैं, और जब अयोध्या का ये बाबरी मस्जिद का विवाद हुआ था, जब ढांचा लीड कर रही थी उस वक्त, यही कर रही थी, और उसी के आधार पर आपने तमाम 2 से लेकर के आज 282 पर पहुंचे हैं कि राम मंदिर हम बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख को साथ साथ प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री रहते हुए कल इतना बड़ा बयान दे दिया कि हम कोई कानून नहीं लाएंगे इसमें। तो आप किस आधार पर जनता से वोट मांगा था आपने? सुप्रीम कोर्ट में तो निर्णय मामला चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट का तो निर्णय आ ही जाएगा। आपने क्यों 1400 करोड़ रुपए देश की जनता से इकट्ठे किए मंदिर के नाम पर? वो कहां गया पैसा? अपना 7 स्टार जो है होटल की तरह आप ऑफिस तो दिल्ली में बना के बैठ गए,
भगवान राम के नाम पर आप हिंदुओं का वोट लेके बैठ गए, 100 करोड़ हिंदुओं को आपने बार बार ठगा, बार बार धोखा दिया, और जब आपको हिंदुओं ने सत्ता पे बिठाया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी और आपने इन्हीं हिंदुओं के साथ, आज जाइए आप अयोध्या में जाइए, देश के तमाम संतों के साथ पूछिए, आप ये गुमराह करना बंद करिए, जो आप सेवन स्टार जो कह रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, ये जो आप जो बार बार सेवन स्टार कहा है, क्या आपको नहीं पता सुप्रीम कोर्ट ने आदेश है उस क्षेत्र से निकालने पड़े कार्यालय, जो आप सेवन स्टार कर रहे हो आपका नहीं बन रहा, आपका तो 10 स्टार बन रहा है, आपका तो अपना नहीं बताएंगे आप, आपको हमारा सेवन स्टार दिख रहा है, फिर इसी का मंदिर के नाम पे पैसा नहीं आ रहा, चंदा नहीं है, नाम पे चंदा आ रहा है, तो ये पैसा कार्यालय है, इसका देखो जवाब दीजिए, प्रदीप भटनागर जवाब दीजिए, ठीक है प्रदीप भटनागर जवाब दीजिए, फिर आते हैं कौशिक जी। आत्रेय जी, मुझे इस चीज पे आपसे ऐतराज है, ना तो बीजेपी ने कभी चंदा मांगा और तो नहीं सुनो, हमें वही बता, मैं वो जा रहा हूँ ना, मैं विश्वंदु परिषद ने इकट्ठा एक एक जितना चंदा इकट्ठा हो, एक पैसे का हिसाब है, अरे रास्ता किसी दिखा दो, हमारा आंतरिक मामला है, आपने 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 सीताराम ये चुरी क्यों उठा के, अरे सीताराम ये चुरी क्यों आपके, सीताराम ये चुरी आपकी अपना पैसा नहीं है, अरे नहीं वो पैसे का इकट्ठा हिसाब ले सकते हैं, आप एक एक पैसे हिंदुओं का पैसा है, घोटाले नहीं होते, आपने नेता की तरह से घोटाले नहीं होते, अरे आपके तो, आपके तो सारे नेता बेल पे बाहर है ना, वो भी गबन में, अरे जो बेल पे बाहर है उनका मुकदमा चल रहा है, अरे हमारे पर किसी बेल पे तो नहीं है, अरे मुकदमा करवा करोड़ रुपए, आपने 1400 करोड़ रुपए जो 1400 करोड़ का एक एक पैसे का 1400 करोड़ एक हिसाब है, सारे की राम शिलाएं बनी है, 80% तमाम मसलों को छोड़िए मंदिर के मसले बात करने दीजिए, अनुजत्रे मंदिर के मसले पे बात करने दीजिए, प्रदीप भटनागर सारे नेता कोर्ट के चक्कर भगत हाथ जोड़ के फिर रहे हैं, किस तरह किस तरह मसले पे आइए, मंदिर के मसले पे आइए, मंदिर तो बना नहीं, मंदिर तो बना नहीं, और कब बनेगा ये भी पता नहीं, पत्थर बना बना कर देश की जनता को बेवकूफ बना दिया, 80% अरे आप बन रहे हो बेवकूफ, पर भारतीय जनता पार्टी एक चाली के चक्कर में बैठे हैं, उस चोरी से नहीं भाग सकते, ये चोरी नहीं है, नहीं अनुजत्रे देखिए, बीजेपी ये चाहती है कि आप मेन मुद्दे से भटकिए ना, मेन मुद्दे से भटकिए, आप तमाम मुद्दों बात कीजिए, ठीक है, आरबी उपाध्याय जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे आप, कौशिक जी तुम लोगों से हिसाब मांगा जाता है, दूसरे को चोर बोलते हो, इल्जाम लगा देती है, आप बता दीजिए ना, कांग्रेस पार्टी है, ये खा गई देश पार्टी है, थोड़ा सुन लीजिए, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, खा गई देश पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी छोड़िए, मुझे एक सेकंड में एक जवाब दे दीजिए छोटा सा, आप तो बहुत ईमानदार है ना विश्वंदु परिषद, आपने पैसा इकट्ठा किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, आप ही हिसाब दे दीजिए, आप बता दीजिए कि वो जो मंदिर के नाम पे पैसा इकट्ठा किया, वो नेताओं की हवाई जहाज की टिकटों पे उनके होटलों के बिल पे क्यों आपने पैसा खर्च किया, और कितना पैसा बचा हुआ है उस पैसे से, जब मंदिर बना नहीं, कितना पैसा बचा हुआ है, आपका क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आपका प्रश्न आ गया, भटनागर जी उपाध्याय जी, देखिए पैसा तो राम मंदिर के लिए मिला था ना, राम मंदिर बना नहीं मैंने भी चंदा दिया तो इसलिए दिया कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन जाएगा, आप सही है, सुन लें तो मैं क्या महसूस करूंगा, मान लीजिए मैं आपसे पैसे ले जाऊंगा भी आपके लिए पेन लाके दे दूंगा, और मैं पैसे अपनी जेब में रख पेन आपको ना लाके दूं, तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि बीच में ठग लिया गया, और देखिए दूसरी चीज, अपनी बात खत्म करता हूं, पूरा हो जाए, आज बात चोर की नहीं है, देखिए संसद में भी कहता है, वो कहते हैं कि एक पार्टी कहती है ये चोर, दूसरी पार्टी कहती है वो चोर, क्या देखिए मान लीजिए एक ने क्राइम किया है, एक चोर है, कौशल मैं भी चोरी करूंगा, लेकिन आज आप ये अजब जस्टिफिकेशन हो गया, में भी एचपी भी है, चोरों को सब चोर महसूस कर रहे हैं यहां पर, बीएचपी चोर को हुआ रहा सारे,
आपका प्रश्न पूरा हुआ, दोनों जो महानुभाव बैठे नहीं, बिल्कुल प्रश्न पूरा हो गया, क्या जनता ठगाओ महसूस कर रही, क्योंकि बीएसपी ठगाओ महसूस कर रही है, कर रही है वो, लेकिन वो जो ये ठग का जो लगा है ना, जो ठग है दूसरे को ठग नहीं कहेंगे, मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पैके ग्राम शिला पूजन के समय पर जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो 14 करोड़ हुआ था, 1400 करोड़ होता, 14,000 करोड़ जो भी हुआ था, उसका एक एक का हिसाब है, कोई भी जाके देख सकता है, आप उसका एक एक अन्य पाई का हिसाब है। दूसरी सुनो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, दूसरी चीज, उस समय की जो वो जो स्थिति, अभी 80% जो मंदिर है वो समझ लो 80% निर्माण पूरा है, बस जाके जोड़ना बाकी है, जो उस समय का ईंट सीमेंट आएगा वो अलग चीजें हैं, तो वो कहाँ से आया, उसी पैसे से आया। दूसरी चीज, अभी भी अकाउंट में पैसे हैं। तीसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि जहाज के टिकट ले लिए, ऐसा कौन सा जो 1400 करोड़ रुपए का आप खा सकते हैं 1400 करोड़ जहाजों में? हम तो हमारे कार्यकर्ता या हमारे प्रचारक या हमारे मेरी बात सुनो, जमीन पे सोते हैं, जमीन पे सोते हैं, 100 रुपए का कुर्ता और 100 रुपए का पजामा हमारा प्रचारक पहनता है, इससे ज्यादा नहीं होता, जमीन पे सोता है, और ये आप खा सकते हैं 1400-1500 करोड़ जहाजों में, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में जो कुर्सी का किराया इतना दिया गया था उसमें 10 कुर्सियां खरीदी जा सकती हैं। तो चोर आप हैं, चोर आप हैं, आप मुद्दे पर आइए, चोर आप मुद्दे पर आइए, कांग्रेस की सरकार ने मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, आज सरकार ने, आज पार्टी सरकार ने, आज मसला मंदिर है, चोरी करने वाली सरकार ने, मतलब सदाई, आज मसला राम मंदिर है, इसका मतलब आपने ये बात मानी, चोर तो है ना, इसका मतलब आपने ये कबूल तो कर लिया कि चोर हो, आपने कबूल चोर था उसको, कौशिक जी, कौशिक जी, आपने ये बात तो मानी, आपने ये बात तो मानी, कौशिक जी, कौशिक जी, देखिए इन शब्दों से बचिए, इन शब्दों से बचिए, इन शब्दों से बचिए, अभी गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं मेरी बात पहले सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात, अनुज अत्रे जी, अनुज अत्रे, अनुज अत्रे, अनुज अत्रे, एक मिनट, अनुज अत्रे के नाम पे वोट खा गए, वो सबसे बड़े चोर हैं, सबसे बड़े गद्दार हैं, इन शब्दों से बचिए, आप इतने ज्येष्ठ, आप गरिमा इतनी ज्यादा नीचे गिरा दे रहे हैं कि फिर बहस करने का मन ही नहीं कर रहा, कौशिक जी, इतने ज्येष्ठ लोग हैं, राम मंदिर का है, राम मंदिर के मसले पे आपने कहा कि हाँ ठगा वो महसूस यहाँ पे बीएसपी कर रही है, लेकिन बहुत धीमे शब्दों में कहा, नहीं नहीं मैं धीमे से नहीं कहा, ठगा वो महसूस कर रही है, पहले सेंटेंस में कहा था, जिस तरीके से ठगा हुआ महसूस कर रहा है मंत्री का, इसमें ठगा वो महसूस कर रही है अर्जुन पाते जी, हाँ कौशिक जी जी, देखिए पैसे आपको दिए थे मंदिर बनाने के लिए, जो भी चंदा दिया था, मतलब ये सभी राम भक्तों ने, सो मैं भी था, नहीं पैसे के साथ कांग्रेस मांग रही है, जनता नहीं मांग रही, देखिए जिन्होंने पैसे दिए, देखिए जनता ने दिए मंदिर बनाने के लिए दिए थे, और मंदिर आपसे बन नहीं सकता था, तो आपने चंदा क्यों लिया? अरे सुनो, पहला प्रश्न खत्म होगी ना, अब मैं पहला जवाब दे दूं, ऐसा तो है नहीं कि आज आपने जेब में से पैसे निकाल के लिए पेन लेने के, जैसे अत्रे जी कह रहे हैं, तो पेन लेने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा, समय लगेगा, उसके बाद में, उसके बाद में अनफोर्स, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, उसके बाद में भी अनफोर्स ही ना, फोर्स मेजर होता है कि अगर बाढ़ आ जाए, आपात आ जाए, कुछ आ जाए, ये फोर्स मेजर दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, न्यायालय का सब सम्मान करते हैं, उसके बाद में हमें लग रहा था दीपक मिश्रा की रिजीम में ये सब निर्णय हो जाएंगे, लेकिन जो कांग्रेस से जो प्रॉब्लम जो इनसे कांग्रेस के जो पेशकार थे वहां पे, जो उनको प्रोवोक कर रहे थे, चार जस्टिस वो आए, मैं पहले बता चुका, वो सब करने वाली कौन है? कांग्रेस है, धवन बोलते नहीं, धवन धवन और कुल मिला के मंदिर नहीं बन रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है, ठीक है, हिंदुओं के, हिंदू धर्म के लिए पेशकार नहीं हो सकते, नहीं मतलब आपकी बात करें तो आप चोरों की बात करें, जनता पार्टी आत्रे जी उंगली एक तो कर रहे हो, तीन तुम्हारे आपकी तरफ भी, ऐसा तो देखो ना, अरे वो तो कह रहे हो, अरे हम तो सारी उंगली हमारी तरफ है, पहले अपनी उंगली देखो, इतना बड़ा धोखा किया है, हमें बताओ, इतना बड़ा देश की जनता के साथ आप लोगों ने किया है, हिंदुओं से वोट नहीं कर सकता, मैं पांचों उंगली आप जो हिंदुओं से वोट नहीं, आपको परेशानी है ना, आपको
प्रधानमंत्री ने मन की बात अब क्या सुननी है देश ने। चलो आप ही सुन लेते हैं, आप ही सुन लेते चुनाव में किसकी शरण में जाओगे भैया, हिंदुओं की शरण से आप सुना के बात पूरी करने दीजिए ना सर, आप लोग सवालों की इतनी बौछार कर रहे हैं, आप जवाब देना है ना। देखिए उपाध्याय जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आके ऑन एयर कैमरे पे हर चीज स्पष्ट बोली, साफ बोली, कोई कोलमोल बात नहीं बोली। सुनिए सर, आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, मैं क्या बोलूं बताइए ना। पत्रकार की हैसियत से बैठे हैं, कौशिक जी, कौशिक जी, उमानंदन कौशिक, ये बात समझिए ना, सवाल तो बीजेपी से। अच्छा ठीक है कौशिक जी, कौशिक जी, अच्छा आप सवाल बीजेपी से पूछिए तो सही है, कोई पत्रकार सवाल पूछ दे रहा तो पार्टी बन जाता, ठीक है। ठीक है प्रदीप भटनागर, जवाब दीजिए देश में आप किस किस की आवाज, ठीक है अनुज अत्रे, अनुज अत्रे एक बार बात तो सुनिए। हाँ भटनागर सारे जवाब आपको हल करना है, अनुज अत्रे सुनिए तो, आज समझ रहे हैं कि पलड़ा आपका भारी है। हाँ भटनागर देखिए, नहीं पलड़ा भारी तो तब होगा ना जब ये स्पष्ट बोले तो सही, ये बोल किधर रहे हैं आप, सुनो मैं कहता हूं बोल किधर रहे हैं आप, खुद फल के भाग लिया मंदिर के मसले पर रहेगा, ठीक है प्रदीप भटनागर, आपको चोर नजर आ रहे हैं, आपको पैसा नजर आ रहा है, आपको हिसाब देना है, अरे 70 साल का हिसाब अगर जनता ने आपसे मांग लिया ना, 70 साल का काम वाले मंदिर भाग जाओगे आप, इटली जाओगे सीधा, इसलिए 5 साल का लेती है जनता। सुनो सर, सुनो, सुन ले, 70 साल के हिसाब पर 5 साल में लेती है, इसलिए गोल गोल राजनीति करिए ना, विश्वास किया आपने, गोल गोल राजनीति करी हमेशा, आपने राजनीति जो करी है देश के प्रति आपने गोल गोल करी है, हमारे प्रधानमंत्री ने आगे कम से कम मुंह पे बोला जो बोलना था, फिर नहीं ये गोल गोल बात नहीं हुई वैसे, ये थोड़ी सी गोल गोल नहीं लगी बात आते जी, उमानंदन कौशिक साहब समझ रहे होंगे कि बात गोल गोल क्यों है, प्रधानमंत्री जी आए अपने, अगर कोर्ट का ही फैसला हमें इंतजार करना था तो फिर क्यों कहा गया मैनिफेस्टो में कि हम आते ही मंदिर बनवा देंगे, हम अध्यादेश ले आएंगे, हम बिल ले आएंगे, हम कानून बना देंगे, ये तमाम बातें हुई ना। पहली चीज, अध्यादेश में अगर लिखा गया तो आपको पता है कि लिखा गया संविधान के तहत जो भी दायरे में जो भी चीजें होंगी, अब गोल गोल अब जनता क्या समझेगी बताइए ना, गोल गोल शब्दों किसने इस्तेमाल किया, लड़ा हमने विकास के मुद्दे पे लड़ा, पहले मैं क्लियर कर दूं, सिर्फ विकास का मुद्दा था, राम मंदिर कहीं नहीं था, अरे राम मंदिर फिर क्यों डाला था, राम मंदिर के विषय में कही गई, कभी बोला ही नहीं, ये बोलते रहे आपके मंत्री लगातार बोलते रहे, मैंने कब मना करा है बता तो रहा हूं मैं, वही तो भाई क्या मैंने मना करा है जी, अरे सिर्फ विकास का मुद्दा लड़ा गया, देखिए जनता है और जनता की अदालत सर्वोच्च अदालत है, उसका सम्मान करना सीखिए। आप जो कहते हैं 70 साल का हिसाब दीजिए, आप सत्ता में रहे तो ये अपनी मर्जी से नहीं रहे, या आप 5 साल 4 साल 4.5 साल से सत्ता में हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं हैं, जैसे आपको जनता ने चुना है उसी तरीके से इनको जनता ने चुना, कल को किसको चुनेगी वो जनता की अदालत है, आप उसका अपमान करते हैं, जनता की बात करते हैं। उमानंदन कौशिक जी, अब आगे अगला कदम क्या होगा, हम मिशेल को पकड़ लाए नहीं, चलिए उलझी हुई घबराई हुई है, चोरियां पकड़ी जा रही है इनकी, अरे भटनागर जी फिर देखे दूसरे मसले पे आ गए ना, आज राफेल है नहीं मसला, आज राफेल मसला है नहीं, राम मंदिर है, जो चीजें कर रहे हैं मंदिर है, बीएचपी इसीलिए यहाँ पर है, बीएचपी इसीलिए होगा तो भी राफेल यहाँ पर है। कौशिक जी, कौशिक जी, राफेल के खेल से नहीं, लोकसभा में क्या हुआ, आप मिशेल को लिया, मिशेल के बाद बीएचपी का कदम भी तो सुन लीजिए ना, बीएचपी का स्टैंड भी सुन लीजिए आप लोग प्लीज। कौशिक जी अब अगला स्टैंड क्या होगा, इंतजार करें आप, ये समझ लो 31 जनवरी और एक उसमें वहाँ पे फिर बड़ा फैसला होगा, कुंभ में फिर धर्मसभा हो रही है, हाँ। और वहाँ फैसला होगा, उसमें निर्णय हो जाएगा, और हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, सरकार पर दबाव किसी के दबाव मजदूर नहीं है कि हमारे कंधे पे चढ़ के कोई सरकार बना ले और उसका फिर हमें ठेंगा दिखा दे, ये संभव नहीं है कि सरकार संसद में या तो बिल लाए या कानून लाए, सरकार ने मना कर दिया, अब इंतजार नहीं हो तो अब आप क्या करेंगे, नहीं, सरकार ने साफ मना कर दिया, उन्होंने भी हम कोई वो नहीं लाएंगे, कोर्ट फैसला करेगा, आपका तो आप क्या मतलब आगे की आपकी कार्रवाई क्या है, ठीक है आप जिस तरह से मैं सुनता हूँ सुनेंगे, बिल्कुल सुनाइए, चाहूंगा अगर वो अध्यादेश नहीं ला सकते, पक्की बात है अध्यादेश नहीं लाया जा सकता, क्यों नहीं लाया जा सकता कि वो अगले दिन ही जाके चैलेंज हो जाएगा और फिर समय लगेगा कि पहले अध्यादेश पर निर्णय आएगा, मंदिर का खत्म, पहले निर्णय आएगा अध्यादेश पे कि गलत आया कि अच्छा आया,
यहाँ पे लटक जाएगा। हमारा निवेदन सरकार से यही है और मेरे कांग्रेसी दोस्त भी बैठे हैं और पूरा देश सुन रहा है जो भी है कि वो राम मंदिर हमारी आस्था का है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का है, उस पर बिल लेके आए, दोनों सदनों में पास कराएं, महामहिम के हस्ताक्षर दर, फिर वो चैलेंज नहीं हो सकता। तो आप बिल लेके आए, अब ये गोल गोल बातें ना करें। अगर आप बिल नहीं लाएंगे तो 31 जनवरी और 1 मार्च फरवरी में जो निर्णय होगा, जो साधु संतों का निर्णय, तो विश्व हिंदू परिषद उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करेगा, तो वो हम फिर निर्णय करेंगे उसमें। मंदिर तो बनेगा, मंदिर तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो मंदिर रोक दे, किसी की माँ ने दूध नहीं, ऐसा दूध नहीं पैदा किया जो मंदिर को रोक दे, मंदिर तो बनेगा। लंबा हो सकता है, विपक्षी पार्टियों का दबाव है आप पर, देश की जनता का दबाव है, जिनकी भावनाओं के साथ आए हैं आप लोग सत्ता में, भावनाओं की कद्र करते हुए आए हैं, अब उनको खिलवाड़ होता हुआ महसूस हो रहा है और यहाँ पर अपनों के दबाव भी बहुत ज्यादा है आप पर, ये मानिए बीएचपी या साधु संतों की बात करें, ये है कि नहीं है भट्टागर मित्र? मैं देखिए थोड़ा सा, देखिए भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की कटिबद्धता में है, ऐसे कुछ नहीं है, मगर क्या है कुछ कानूनी चीज चल रही है उसको थोड़ा सा हमें भी रुक के देखना चाहिए, क्योंकि जो माननीय न्यायालय बैठा और पूरा देश उस चीज को देख रहा है, तो हम भी कहीं थोड़ा सा एतबार करना चाहिए। एकदम एकदम अध्यादेश देख रहा था, जब विवाद भी रहा है, तब भी कानून था, तब भी संविधान था, तो बताओ विवाद ढांचा टूट गया, विवाद ढांचा टूट गया, प्रदीप जी मेरा एक निवेदन आपसे है, हो सकता है जो लोग वहां पे जो जिन्होंने निर्णय लिया है वो और ज्यादा अच्छा सोचते होंगे, समय कम है, लेकिन कम शब्दों में फटाफट, एक एक व्यक्ति चोरी करता है, सामान्य आदमी है, वो मेरे साथ में चोरी कर ले तो उतनी पीड़ा नहीं होती, लेकिन अगर मेरा भाई मेरे साथ में चोरी कर ले तो उसकी पीड़ा शायद ज्यादा होती है। समझिए नहीं, एक आखिरी कमेंट आपका। मैं बिल्कुल, देखिए कौशिक जी आपकी बात को बिल्कुल समझता हूँ, भावना को समझता हूँ, कुछ देश की प्रणाली भी है, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो उनकी भावना को थोड़ा सा देश और आप भी समझे, अगर ठीक है समय लग रहा है थोड़ा सा समय को और थोड़ा सा हाँ देखते हुए समय में बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है। अनुजात्र एक आखिरी रिएक्शन आपका। देखिए अब ये ही सुनना देश को रह गया था, हम ये पूछना चाहते हैं और देश ये पूछना चाहता है, और साथ तौर से मेरे विश्व हिंदू परिषद के मित्र बैठे हैं क्वेश्चन, आप ये बता दीजिए कि देखिए मंदिर के नाम पर इन्होंने वोट मांगा, यही मोदी जी ने कहा था कि हमें स्पष्ट बहुमत दीजिए, हम मंदिर निर्माण करेंगे, कानून बनाकर निर्माण करेंगे, हम कोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन अब जब जैसे जैसे अब सरकार का समय आ गया है, 2 महीने रह गए और ये एक तरह से सेशन में इसमें तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कुछ नहीं हो रहा है, अब अगर ये नहीं बनाते हैं और आप लोगों ने देश के हिंदुओं ने, मैं भी हिंदू हूं देखिए, और मेरे जैसे तमाम देश के जितने भी 100 करोड़ हिंदू हैं उसमें से अधिकतर हिंदुओं ने इनकी बात पे यकीन किया, इनको हिंदुओं की आस्था के इन्होंने 4 विषय उठाए थे, गौ हत्या मुद्दा उठाया था इन्होंने, गौ रक्षा का, धारा 370 का उठाया था, कश्मीरी पंडित का उठाया था, और राम मंदिर का। हम पूछना चाहते हैं, देखिए कौशिक जी आप बताइए ना, एक मुद्दे पे इन्होंने कुछ नहीं किया काम, हिंदुओं के लिए इन्होंने हिंदुओं से वोट मांगे, इन्होंने कहा कि हम हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की रक्षक पार्टी है, हम हिंदुओं की समर्थित पार्टी है, केवल हिंदू वोट दिया और हिंदुओं ने इनको भरपूर वोट दिया, प्रचंड बहुमत दिया। अब आज हिंदुओं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब अगर मंदिर नहीं बनता जैसा कि उमा भारती जी ने कहा है कि मंत्री इन्हीं की सरकार में मंत्री है कि इनके रहते मंदिर नहीं बनेगा तो ये बहुत बड़ा धोखा है, तो विश्व हिंदू परिषद अब यही आज की बात है। प्रधानमंत्री की मन की बात फिलहाल मंजूर नहीं है उनके अपनों को ही, साधु संत बेहद नाराज हैं, साधु संत बेहद नाराज हैं, बीएचपी का स्टैंड आपने देख लिया, कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है और इस पर कुछ भी, इस पर आपत्ति है, कांग्रेस राजनीति नहीं कर, राजनीति नहीं कर, उसका संचय राजनीति की है शुरू से लेकर आज तक, कांग्रेस को कहती आ रही है हम सुप्रीम कोर्ट के, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, राजनीति ये बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, ये कांग्रेस कर रही राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वैसा ही है कि राम मंदिर कब बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से बहुत सी बातें स्पष्ट हो गई और नाराजगी वो झेली रहे। तो ऑन स्पॉट में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।